नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो 1 साल पहले किसी के साथ घटित हुई थी, और ये हमारे गांव के ही थे जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। दोस्तों होता क्या है कि बाप और बेटा दोनों काम के लिए सुबह चले जाते हैं, और उनको जाना होता है माता चिंतपूर्णी के मंदिर, जाना होता है पास में ही, वहाँ पर किसी के घर का लेंटर डालना था। तो वो दोनों ही राजमिस्त्री हैं, तो दोनों साथ में चले जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या कि लेंटर का काम जो रात को कोई 9:30-10 बजे ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर फिर उनको खाना खुना खिलाया जाता है, क्योंकि गांव में जब लेंटर डालते हैं तो उसके लेंटर ख़त्म होने के बाद लोग प्रसाद देते हैं, साथ में खाना खिलाते हैं। रात हो गई थी तो उन्होंने खाना भी खिलाया। होता क्या दोस्तों कि दोनों बाप बेटा खाना खाते हैं, और भी मजदूर होते हैं वो भी खाना खाते हैं, और सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं। और होता क्या है कि ऐसे ही बाप बेटा दोनों खाना खाते हैं, और दोनों खाना खाने के बाद क्या होता है कि दोनों में से जो लड़के के पिताजी होते हैं वो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा बेटा जो है आगे चला गया होगा, तो मैं चल पड़ता हूँ। तो दोस्तों होता क्या कि वो चले आते हैं, और जैसे ही आगे चले आते हैं तो अब रात का टाइम था, वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर जो है जंगल है, चारों तरफ घने पहाड़ हैं और बिल्कुल अंधेरा। तो उनके हाथ में टॉर्च थी, वो चले आए। तो होता क्या है कि दोस्तों और वो लड़के का जो पिता है वो तो चले आते हैं, और वो वहाँ से चलकर आधे रास्ते पहुँचते हैं, तो रास्ते में पहाड़ी के ऊपर किसी का घर होता है, तो वहाँ पर उस घर में बैठ जाते हैं। तो उनको ये हुआ दौड़ की, हो सकता है मेरा लड़का जो है अगर वो चला गया था तो मुझे दिखा क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है वो पीछे रह गया। तो दोस्तों होता क्या कि वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं उसके घर में, तो वहाँ से वो रास्ता पूरा क्लियर दिखता था कि कोई आ रहा है, आएगा तो पता चल जाएगा। तो अब दोस्तों बेटा तो उनका पीछे रह गया था, तो बेटा क्या था वो पीछे आता है। अब बेटा वो भी अकेला आ रहा होता है, तो अब जैसे आता है तो दोस्तों अंधेरा तो था और काफ़ी तंग रास्ता होता है पहाड़ों में, चारों तरफ झाड़ियाँ होती हैं, और उसके हाथ में टॉर्च थी। तो दोनों जब वो लड़का आ रहा होता है तो क्या होता है कि सामने से लड़के के पिताजी को लाइट दिखती है, और साथ में एक और आदमी बैठा होता है। तो दोनों देखते हैं कि भाई लाइट आ रही है, तो लाइट तो जली है, कोई आ रहा है पीछे। तो पीछे आ रहा है मगर पीछे ये दो आदमी कौन है? क्योंकि दोस्तों होता क्या कि जो लड़का था, लड़का तो अकेला आ रहा था मगर उसके साथ एक और आदमी साथ चल रहा था, मगर ये अब लड़के को एहसास नहीं हुआ। और लड़के ने क्या किया कि थोड़ी देर आगे, थोड़ा दूर आगे जाता है, ऊपर से पहाड़ी से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है, वो उसके आगे गिर जाता है। तो दोस्तों लड़का घबरा जाता है, तो डर भी जाता है। तो उसने कहा कि भाई ये पत्थर कहाँ से आया और किसने फेंका? और फिर दोस्तों क्या होता है कि उसको थोड़ा एहसास होता है कि मेरे साथ कोई चला हुआ है, और मैं चल रहा हूँ तो मुझे किसी के चलने की आवाज़ नहीं आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि पत्थर भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो लड़का समझ गया कि कोई बात जरूर है। तो दोस्तों होता क्या कि लड़का धीरे धीरे चला जाता है, और ऊपर से लड़के का पिताजी देखते हैं, तो पिताजी को भी दो आदमी दिखाई देते हैं। तो हुआ यह कि अब वो लड़के को नहीं दिखा कि उसके साथ कौन चल रहा है, पिताजी को सामने से दिख रहा है कि दो आदमी आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो आ गया हूँ, तो लड़के के साथ कौन हो सकता है दूसरा आदमी? तो दोस्तों दोस्तों वो दूसरा क्या था, वो भूत था साथ में, तो भूत उसके साथ चल रहा था मगर उसको दिखा नहीं। तो होता क्या कि अब वो पहाड़ी से जैसे चलाता है, अब लड़का भी
घबराया हुआ था क्योंकि साथ में आप कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है और आपके साथ चलने की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आप तो डरोगे, और रात का टाइम है और आगे पीछे उस रास्ते पर शमशान घाट है। तो शमशान घाट और उससे ज़्यादा डर और लग जाता है दोस्तों। मंदिर होता है तो मंदिर से कहते हैं कि डर कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि चलो देवी देवता है तो हमें किसी भूत प्रेत का डर नहीं है। मगर जहाँ पर शमशान घाट आ जाते हैं तो वहाँ पर डर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब दिन में भी अगर शमशान घाट के पास चले जाओ तो भी आपको डर लगेगा कि यहाँ पर भूत प्रेत ना हो। रात की बात तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों होता है कि वो अब वो चला आता है, तो जैसे आता है तो पिताजी उसके जो थे ऊंची पहाड़ी के घर के ऊपर बैठे थे। जैसे वो उस घर के पास से क्रॉस करते हैं तो उन्होंने उसको कहा, आवाज़ मारी लड़के को। तो उसका लड़के का नाम बागी था, तो उसने कहा बागी, तो आवाज़ सुनी और वो फिर रुक गया। तो उसके पिताजी भी आते हैं, तो उसके पिताजी कहते हैं पहले तो ये बता तेरे साथ ये दूसरा आदमी कौन था। तो वो दोस्तों जो लड़का था वो लड़का देखता है, कह रहा मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। मगर ये था कि मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, आवाज़ आ रही है मगर मुझे दिख नहीं रहा। और वो साथ में जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर पत्थर गिरा पहाड़ी से बहुत ऊंचा, तो पत्थरों मेरे आगे गिरा और फिर आगे पीछे आवाज़ भी आई। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तेरे साथ एक और आदमी चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है कि कोई भूत प्रेत हो। तो दोस्तों ये जो घटना थी ये 1 साल पहले घटित हुई थी, और जिनके साथ घटित हुई थी वो भी अभी जिंदा भी हैं और दोनों हैं। और वो मेरे घर पर खुद आए थे, जैसे हमने घर में काम लगा रखा था मकान का, तो वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारे साथ आज ऐसा हुआ। दोस्तों मैं जो भी कहानी जो भी घटना बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ, और ये घटनाएं जिनके साथ घटित हो जाती हैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है झूठ बताना किसी का। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को डराना है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ इस संसार में सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई को अक्सर हम लोग छुपाते हैं, तो दोस्तों ये चीज़ें जो है बिल्कुल सच है और हुई है। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को भी मानना जरूरी है। अगर आप भगवान को मानते हो तो समझ लो कि भगवान के साथ भूत प्रेत भी होते हैं। तो दोस्तों ये तो कहानी आपने सुनी। और दोस्तों फिर क्या होता है कि वो दोनों ही एक साथ घर को चले जाते हैं। घर में जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ भी आगे दोस्तों थोड़ा क्या होता है कि तंग रास्ता था, और वहाँ से भी आधा 1 किलोमीटर उनका 1 किलोमीटर दूर घर है उनका, तो वहाँ से उनको जाना था। तो होता है क्या कि दोस्तों जब वो दोनों आगे जाते हैं तो आगे जाते हैं तो जैसे ही क्या होता है कि वहाँ पर उनको आवाज़ सुनाई देती है नाले के अंदर ज़ोर से। नाले के अंदर आवाज़ ऐसी है कि कोई वहाँ पर कोई गुनगुना रहा है। तो वो दोनों साथ में आते हैं, अब वो कहते हैं पीछे तो वो भूत आ रहा था, अब यहाँ पर कौन गुना रहा है। तो दोस्तों जिससे वो गुनगुना रहे होते हैं तो दोनों फिर डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत उन्हीं के साथ ही चल रहा था। और दोस्तों फिर होता क्या है कि वो जो उनका लड़का है अब वो कुछ नहीं कहता, और उसको उसी वक्त वो गायत्री मंत्र बोलता है। तो गायत्री मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम भू भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे बोलता है और वो गुनगुनाना बंद कर देते हैं और वहाँ से एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। तो दोस्तों और फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये उस दिन बाप और बेटे के साथ हुआ था और ये घटना बिल्कुल सच्ची थी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो घटना अच्छी लगी है, और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की है और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का है,
यहाँ पर दोस्तों ये जो घटनाएं हैं हर किसी एक शख्स के साथ होती हैं। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं, मगर ज़्यादातर लोग क्या है कि इन घटनाओं को बारे में बताते नहीं है। तो दोस्तों मेरी आदत है कि जो भी घटना किसी के साथ घटित होती है तो जिन लोगों ने मेरे के साथ बताई होती है तो मैं उन इस घटना को अवगत करवाना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आऊँगा आपको दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।